नमस्ते कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। कन्या लग्न के लिए वर्गो एसेंडेंट के लिए अप्रैल 2024 कैसा रहे? देखिए, इस महीने को लॉजिकली दो हिस्से में बांट सकते हैं। पॉजिटिव बात सोचते हैं तो 2 अप्रैल से लेके यानी कि फर्स्ट 15 डेज 16 अप्रैल तक का समय है भाई बहन के साथ के रिलेशंस, पड़ोसी के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने का वक्त है। कोई पॉजिटिव टाइम ही मान के चले इसको। और 17 अप्रैल से 30 अप्रैल हो सकता है नया घर लेने का टाइम, आपका ओल्ड एज प्लान करने का समय है। घर के अंदर मन के अंदर एक अजब शांति का भी अनुभव कर पाएंगे। मामा के कोई रिलीजियस कार्य में आपका मदद भी मिलेगा, आपको आप मदद करते हुए अपने आप को पाएंगे 17 अप्रैल से 30 अप्रैल में। इस महीने का देखिए मैंने जो हेडिंग लिखा है उसमें एक चीज और है कि मार्च और अप्रैल के दरमियान आपके बच्चों को समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इट विल बी वेरी टफ टू अंडरस्टैंड योर ओन चाइल्ड। आपके बच्चों को आप समझने में को कोशिश ही छोड़ दो, ऐसा मेरा मानना है। हेल्थ के लिए थोड़े देखिए, मंगल शनि जैसा ग्रह है आपके 6वें स्थान में, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आ जाएगा। इस महीने का हेडिंग लिखा है मैंने इंप्रूवमेंट इन रिलेशनशिप। मैंने बताया सिबलिंग भाई बहन और नेबर के साथ के रिलेशंस को 15 दिन में इंप्रूव करने का टाइम, बाद में घर लेने का और ओल्ड एज प्लान करने का टाइम। अब शुक्र 8वें स्थान में जाएगा 24 अप्रैल के बाद 18 मई तक। यू टू ड्राइव योर व्हीकल केयरफुली, अगर आपके पास व्हीकल है तो केयरफुल रहिएगा ड्राइव करते हैं। ये जो लग्नेश आपका अष्टम में गया है, लग्नेश अष्टम में आपका 8 अप्रैल तक ही है, 26 मार्च से 8वें स्थान में गया, मतलब ये रहस्य के स्थान में गया है। ये पत्नी का परिवार है आपका, ये पत्नी और ये इसका परिवार, ये आपके पति का परिवार यहां गया हुआ ये लग्नेश है। यानी कि पति या पत्नी के परिवार में कोई अच्छा कोई फंक्शन भी हो सकता है। और ये अपनी वसीयत या तो बनाने का टाइम है या तो पिता की वसीयत में अपना हिस्सा जाहिर करने का टाइम। क्योंकि देखिए यहां लग्नेश अष्टम में गया, अष्टम स्थान है वसीयत का, विल का। तो ये इट इज द टाइम टू मेक योर ओन विल और आस्क योर सेल्फ, पप्पा से पूछने का वक्त है ये विल के लिए। अब देखिए डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, उसके पहले आपका केयरफुल रहने की तारीख बताता हूं। देखिए 2 अप्रैल से 24 अप्रैल तक बुध वक्री है, रेट्रो है, यानी कि आपकी जिंदगी का कहीं स्पीड जैसे वक्री हो जाता तो पीछे चलने लगता है बुध, जैसे मुंह उसका इस तरफ था तो ये घूम जाता उस तरफ हो जाता, यानी कि रेट्रो यानी कि स्पीड काम होगा आपके काम का। आप जो भी काम करते हैं उसमें वो गति नहीं मिलेगी जो पहले थी। 5 अप्रैल से 21 अप्रैल बुध अस्त भी हो जाएगा, बुध का रेट्रोग्रेड पोजिशन में भी है यहां पर और ये अस्त भी हो जाएगा। इस महीने में आपको 1 से 9 थोड़ा तनाव भरा सिचुएशन रहेगा। ये 26 मार्च से 1 अप्रैल तक तो बुध मार्गी भी है, 2 अप्रैल से बुध वक्री हुआ है, ये कुछ तनाव भरा सिचुएशन भी रहेगा। लेकिन 9 अप्रैल तक देखिए बर्ड्स को, अगर आपके घर के पास पक्षी है तो उसको खाना दीजिएगा, बर्ड्स पक्षी को खाना दीजिएगा। टेरेस बालकनी या गैलरी में बाउल रखिएगा पानी भर के बर्ड्स के लिए। ऑफर वाटर टू द बर्ड्स, वाटर एंड फूड टू द बर्ड्स 1 से 9 अप्रैल, जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसमें से बाहर निकलने के लिए। 10 से 13 अप्रैल है ये टाइम है दोज आर जॉबलेस, उनके लिए बेस्ट है, टेम्पररी टाइमिंग, आपको पहचान भी मिलेगा। अगर बिजनेस पार्टनरशिप में है तो आप आपके पार्टनर के साथ का अच्छा खासा ट्यूनिंग भी आप 10 से 13 में महसूस कर पाएंगे। 10 से 13 इन शॉर्ट दोज आर जॉबलेस उनके लिए भी बेस्ट है। बिजनेस के लिए अभी मैं इसके लिए ना बोल रहा हूं क्योंकि गुरु का अभी बहुत बड़ा अच्छा सपोर्ट नहीं है। सो आई से नो न्यू वेंचर्स, अब चल रहा है उसको चलने दीजिएगा। मैं ऐसा नहीं मानता कि आपका लास्ट का जो 15 दिन है वो बहुत अच्छा है। 17 तारीख से 30 तारीख तक में मामा के साथ का डिस्टेंस भी बहुत कम मेंटेन हो जाएगा आपका, अच्छा मेंटेन हो जाएगा। योर मॉम इज अ वेरी रिलीजियस मॉम, चतुर्थान में गुरु की राशि है और गुरु की पोजीशन, मैंने जो बोला बिजनेस के लिए अभी इसके लिए मैंने ना बोला है। बाकी नया वेंचर्स अभी आगे नहीं बढ़ाइएगा, अप्रैल के बाद जैसे ही गुरु नवम में आ रहा है यानी कि ये बहुत अच्छा पिकअप देगा आने वाले 3 साल तक, 9वां 10वां और 11वां गुरु। एक बार 30 अप्रैल का इंतजार करो, 30 अप्रैल तक गुरु मेष राशि में 8वें स्थान में, कोई बहुत बड़ा
6, 8 और 12वां गुरु बहुत बड़ा राइज नहीं देता, सिर्फ वसीयत का फायदा दे सकता है 8वां स्थान का गुरु। सो ये भी मैंने बताया आपको इस महीने में, वो विशेष करने का टाइम है। हेल्थ के लिए आपको 14 से 18 केयरफुल रहना है, 14 से 18 केयरफुल रहना है। स्टूडेंट के लिए 19 से 30 बेस्ट है, प्यार करते हैं उनके लिए 7 अप्रैल बेस्ट है। और मैरिज के लिए अभी रुकना है, 9 लिखा है मैंने। कोई बहुत बड़ा प्रपोजल आपके डोर पर आ जाएगा ऐसा नहीं है, घर खुशियों से भरा हो सकता है आपका, और वो 17 अप्रैल से 30 अप्रैल में बड़ा घर में खुशियों का वातावरण तो रहेगा। शेयर मार्केट 19 अप्रैल के बाद बेस्ट है, मैंने जो बोला आपको। अब देखिए डेट वाइज में 26 मार्च से 9 अप्रैल तक का जो टाइम है वो तनाव वाला टाइम, वो मैंने आपको लिखा यहाँ। 26 मार्च से 9 अप्रैल तक का टाइम, मतलब यहां मैंने 1 से 9 अप्रैल लिखा है, स्ट्रेसफुल थोड़ा तनाव वाला टाइम है मैंने बोला ऐसा। 10 से 13 टेम्पररी टाइमिंग जॉब का बड़ा चांस। 14 से 18 कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग भी आपको मिलेगा। 14 से 18 में आपको हेल्थ के लिए मैंने केयरफुल रहने के लिए बोला, 14 से 18 में यू हैव टू बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ, आपकी तबीयत के लिए थोड़ा केयरफुल रहिएगा 14 से 18 में। 19 तारीख से लेके बाद में जो टाइम है, 19 तारीख से लेके 1 मई तक का टाइम, 30 अप्रैल तक का ये महीना है और 1 मई तक की स्टार की पोजिशन है, वो आपके लिए क्रिएटर्स है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी से जुड़े हुए। तो ये टाइम है आपके बच्चों का, कुछ अच्छा चीज का आपको वो मिलेगा, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा फ्रॉम 19 अप्रैल टू 1 मई में। मतलब स्टूडेंट के लिए भी मैंने लिखा है 19 टू 30 अप्रैल में कुछ अच्छा टाइम है। शेयर मार्केट के रिलेटेड लोगों को भी 19 से 30 मैंने बेस्ट बोला है। तो इन शॉर्ट देखिए इस महीने में आपको ये 14 से 18 हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। हो सकता है कोई झगड़ा, कर्ज, बीमारी, कोर्ट कचहरी का केसेस ये 14 से 18 में हो सके तो टालिएगा इसको, हो सके तो 14 से 18 वाले को, मतलब कोर्ट की डेट हो 14 से 18 में तो टालिएगा। ये रोग, ऋण और शत्रु आपको 14 से 18 में परेशान करेंगे। और 1 से 9 थोड़ा तनाव वाला वातावरण जरूर रहेगा। ओवरऑल देखिए तो चतुर्थी है, देखिए 12 अप्रैल को ये कैलेंडर है जो रात, देखिए इस पर भी नजर करिएगा। 12 अप्रैल को विनायक चतुर्थी है और संकष्टी है 27 अप्रैल को। अब आपका अष्टमेश है मंगल, आपके लग्न का सबसे प्रॉब्लमेटिक प्लेनेट है मंगल। अब वो 11वें स्थान में हो समझो, या नीच राशि का हो, 12वें स्थान में हो, 8वें स्थान में हो, या 6वें स्थान में, या भले अपने ही घर में, फिर भी ये तनाव तो देता है। गणेश उपासना 12 अप्रैल और 27 अप्रैल को गणेश मंदिर में हो सके तो जाइएगा, गाय को गुड़ खिलाइएगा और लड्डू का भोग लगाइएगा गणपति बाप्पा को। 6 अप्रैल और 21 अप्रैल प्रदोष है, शिव उपासना करते हैं उनके लिए ये डेट है। आपका प्रॉपर्टी बन नहीं रहा है समझो, प्रॉपर्टी में बार बार आपके लाभ स्थान का स्वामी है चंद्र, कुछ आपका पैसा सेव नहीं हो रहा है उसमें आप महसूस करते हैं प्रॉब्लम। तो 6 अप्रैल और 21 अप्रैल को सिर्फ जलाभिषेक करिएगा दोपहर को 12 बजे के पहले, मध्यान्ह के पहले, और शाम को शिव दर्शन करने के बाद सनसेट के पहले आधा घंटा या सनसेट के आधा घंटा बाद में दर्शन करने के बाद हो सके तो भोजन लीजिएगा 6 अप्रैल एंड 21 अप्रैल को। 8 अप्रैल को अमावस है, मैंने बोला ऐसा अमावस्या है और ये आपके सप्तम स्थान में अमावस हुआ है मीन राशि का, सूर्य ग्रहण भी है इस दिन में, ये हिंदुस्तान में दिखने वाला नहीं है बट मीन राशि का सूर्य ग्रहण है। और आपके लिए तो देखिए शनि आपका 6 हाउस से जा रहा है तो शत्रु का, शनि मंगल दोनों है, शत्रु का बहुत उपद्रव आपको महसूस नहीं हो रहा है, आने वाले टाइम में भी नहीं होगा। 6वें स्थान में शनि मंगल का युति जो हुआ है वो भी अच्छा ही है, बट विष्णु सत्यनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा, आपके बच्चों के साथ का जो डिस्प्यूट है वो कुछ हद तक, देखिए मार्च और अप्रैल बच्चों को समझना आपके लिए मुश्किल है, आप जिसको प्यार करते हैं उसको भी नहीं समझ पाएंगे। सो विष्णु सत्यनाम करके बहते जल में 8 अप्रैल को नारियल बहा दीजिएगा। घर के पास अगर नारियल बहाने के लिए तालाब, कुआ ऐसा कुछ नहीं है, दरिया नदी नहीं है, तो किसी भी शिव मंदिर में नारियल को रख के आइएगा 8 अप्रैल को। इस महीने में बहुत एक अच्छा चीज है, चैत्री नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है, यानी कि 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक चैत्री नवरात्रि प्रारंभ हो गए और 9 तारीख को हमारा न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है, हिंदू न्यू ईयर 9 तारीख को गुड़ी पाड़वा। 9 तारीख से 17 तारीख में कन्या भोजन कराइएगा,
ये लाभदायक रहेगा। अगर जन्म का शुक्र मैंने कभी कभी देखा है, लग्न में होता है कभी कभी, कन्या लग्न, तो ये बड़ा अच्छा रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि अपना जो चीज है वही एंजॉय नहीं करने देता ये शुक्र नीच राशि का। नीच भंग राजयोग हुआ और बुध समझो अगर अच्छी जगह है तो ठीक है, अगर परिवर्तन है धनस्थान के शुक्र के साथ या धनस्थान के बुध के साथ परिवर्तन है तो बड़ा अच्छा है, अदरवाइज ये नीच राशि का शुक्र कभी कभी बदनामी भी दिलाता है लग्न का। इसके लिए 9 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल में छोटी छोटी लड़कियां 10 साल से घर पे बुलाओ, तिलक करो उसके पैर पे फोरहेड पे, और यथाशक्ति खीरपुरी का भोजन कराए उनको, और यथाशक्ति गिफ्ट करें 9 तारीख से 17 तारीख में। इस महीने में मैंने बताया आपको कि 17 अप्रैल को रामनवमी और 23 अप्रैल को हनुमान जी का बर्थडे है, हनुमान जन्मोत्सव। ये दोनों दिन मतलब देखिए 13 तारीख से 13 मई तक, अप्रैल 13 अप्रैल से 13 मई तक सूर्य उच्च राशि में होता है। भगवान रामचंद्र जी के भी कुंडली में कर्मस्थान में उच्च का सूर्य, 17 तारीख का बर्थ है, और हनुमान जी का भी कुंडली में सूर्य उच्च राशि में विराजमान। इस महीने में आपको मैंने केयरफुल रहने की डेट बोली है, कहीं मार्क कर दीजिएगा। ये गज केसरी योग की डेट है, इसको भी कहीं अगर आप इंटरेस्टेड है एस्ट्रोलॉजी जैसे विषय में, ये डेट चंद्र मने पानी और गुरु मने मनी पैसा, इस दिनों में मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है। जैसे चंद्र और शनि के योग अगर आपको देखने हो, और अगर किसी सिटी से आप रिलेटेड हो, तो शनि चंद्र के दिन मतलब उनका विष योग बोलते हैं हम, शनि मने रोकना होता है, बहाव को रोकता है चंद्र, विचारों को भी परेशान कर देता है चंद्र मने। चंद्र शनि का योग हो, राहु चंद्र का योग हो, तो मानसिक तनाव होता है। जैसे सूर्य चंद्र का युति अमावस का जन्म भी आपके विचारों को ट्रबल देता है, मानसिक भावनाओं को। चंद्र बुध की युति भी वैसे ही नेगेटिव रिजल्ट देती है। सो ये चंद्र गुरु के गज केसरी योग है, मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है। आप जैसे लोगों को मैंने मार्केटिंग में कैरियर बनाते हुए देखा है, क्योंकि कर्मस्थान में बुध की राशि है, बोलना आपका व्यवसाय होता है, एक से ज्यादा सोर्स ऑफ वर्क प्लेस होते हैं, मतलब कभी कभी शाम को अलग जगह पे बैठते हैं, दोपहर को अलग जगह बैठते हैं, वर्क प्लेस को ड्यूअलिटी से संबंध आता है, बिकॉज जैमिनी राशि है आपके कर्मस्थान में। चंद्र शुक्र की युति है या प्रतियुति का दिन रोमांटिक दिन माना जाता है। चंद्र मने विचार होता है, भावनाएं होती है, और शुक्र मने रोमांटिक, शुक्र रोमांस का कारक है, यानी कि ये आर्टिस्टों की कुंडली में जो फिल्म लाइन है या कला से जुड़े हुए हो, आर्ट ड्राइंग डिजाइनिंग उनसे जुड़े हुए लोगों की कुंडली में चंद्र शुक्र की युति प्रतियुति दिखाई देती, और ये चंद्र शुक्र की युति का दिन है, प्रतियुति का दिन है। 7 अप्रैल है चंद्र शुक्र की इस महीने में युति होती है, और 23 अप्रैल को चंद्र शुक्र की प्रतियुति होती है। हर महीने में अबाउट ये चंद्र शुक्र की युति प्रतियुति एक एक बार होती है अबाउट, क्योंकि शुक्र महीने में एक बार राशि बदलता है अंदाजन 25-27 दिन में। और इसके लिए 7 अप्रैल मैंने जो प्यार करते हैं उनके लिए बेस्ट बताया है, क्योंकि आपके 7th हाउस में ऑलरेडी जो मैरिड है वो तो ये चीज अनुभव कर पाएंगे। मीन राशि में आपके 7th हाउस में चंद्र शुक्र के साथ राहु शुक्र भी है। देखिए लग्न में आपका केतु विराजमान हुआ है, आपका आपका आपको नजर लगता है, ये बात बराबर ध्यान में रखिएगा। इसको कोई कोई लोग ब्लैक मैजिक से भी इस केतु को संबंधित करते हैं, बट अपना सुख हो या दुख हो, केतु लग्न में अगर आप आपका दुख को दूसरों को बताओगे तो दुख भी बढ़ेगा, और सुख अगर बताओगे तो उसको नजर लगेगा। सो हाथ में हो सके तो नजर बट्टू या तो पहनिएगा, या गले में रुद्राक्ष पहनिएगा, नजर बट्टू पहनिएगा हाथ में, और कुत्ते को हमेशा वेनसडे को खाना खिलाइए एवरी वेनसडे, और 3 ब्लैंकेट का दान करते रहिए एवरी ईयर एटलीस्ट। कोई गुरु का घर के पास मंदिर हो, अगर केतु के उपाय है, गुरु का कोई घर के पास मंदिर हो तो वहां 3 केले गुरु मंदिर में रेगुलर रख दो, गुरु मंदिर में दर्शन करने जाओ, क्योंकि केतु जो है वो उच्चतम गुरु का फल देने वाला ग्रह है, तो केतु को खुश करने के लिए आप गुरु को खुश करोगे तो केतु खुश हो जाता है। तो ये लेखा जोखा इस महीने का आपका। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा, जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।